ऐश्वर्या दुबे। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसी जिंदगी पर जीत की जंग अंजाम तक पहुंचने वाली है। ड्रिलिंग के जरिए आखिरी 12 मीटर तक पाइप डालने की कोशिश जारी है। अमेरिकन ऑर्गर मशीन की मदद से पाइप बिछाए जा रहे हैं। रेस्क्यू के बाद की चुनौतियों से निपटने के लिए तमाम तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। टनल हादसे के 12वें दिन राहत बचाव से जुड़ी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। बाधाएं जो भी आनी थी उनको हम पार कर चुके हैं, ये हमारी उम्मीद है। अगर और कोई चीज़ सामने नहीं आती है, कोई बड़ा पत्थर या और कोई गडर, तो आज इसको ऑपरेशन को शायद सफलता मिल जाएगी। रेस्क्यू अब अंतिम चरण में है। सिलक्यारा टनल से किसी भी वक्त शुभ समाचार आ सकता है। विदेश के एक्सपर्ट्स की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में डटी है। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए काम युद्ध स्तर पर जारी है और जल्द ही वो खबर मिलने की उम्मीद है जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है। 12 से 14 घंटे मुझे वहां तक पहुंचने में लगेंगे, ठीक है। उसके बाद मुझे वहां पर वर्कर्स को असेंबल करके NDRF की सहायता से उनको निकालने में 2-3 घंटे का समय लग सकता है। पिछले 12 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, इसके लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। ऑगर मशीन से ड्रिलिंग की जा रही है जिसमें कई बार अलग अलग तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि अब सब कुछ सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है। रात में 45 मीटर के मुंह पर एक गर्डर आ गया था लेटिस का, उसको हमने सक्सेसफुली रात 6 घंटे काट करके रिमूव कर दिया है। अब हमें लगता है कि बाधाएं जो भी आनी थी उनको हम पार कर चुके हैं। रात में ड्रिलिंग के दौरान आई रुकावट को दूर करने के लिए NDRF की टीम ने लगातार 6 घंटे तक काम किया। ऑगर मशीन के सामने स्टील का जो स्ट्रक्चर आया था उसे काट कर हटा दिया गया। इसके बाद सुबह दिल्ली और रुड़की से अलग अलग एक्सपर्ट्स पहुंचे जिन्होंने ड्रिलिंग मशीन में आई खराबी को दूर किया। जो पहले इसकी छत बनी हुई थी उसमें आयरन रॉड्स लगी रहती हैं उसको रीइंफोर्स करने के लिए, तो जब कोलैप्स हुआ तो आयरन रॉड्स भी मलबे के साथ कोलैप्स हुई। उनमें से कुछ आयरन रॉड्स इस ऑगर मशीन के रास्ते में आ गई थी, तो ऑगर मशीन मलबे के थ्रू ड्रिल करने के लिए सक्षम है, लेकिन आयरन रॉड्स के कारण इसको भी नुकसान होने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए उसको पाइप में घुस के हमारे जवानों ने और जो साथ में एजेंसीज हैं उन्होंने उसको काट के दूर किया ताकि ड्रिलिंग आगे बढ़ पाए। रेस्क्यू ऑपरेशन में अब अगर किसी भी तरह की अड़चन नहीं आई तो देर रात तक श्रमिकों के बाहर निकाले जाने की पूरी उम्मीद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री VK सिंह ने आज सुबह मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य की जानकारी दी। हमारा प्रयास है और सारे विशेषज्ञ इसमें लगे हुए हैं, पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत से कर रहे हैं, रात दिन रेस्क्यू चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन इसका अपडेट लेते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं और लगातार चिंता करते हैं कि जल्दी से जल्दी होगी कि सभी लोग सकुशल बाहर आए। और आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जानकारी ली, उनको अवगत कराया है और हमारे यहाँ पर लगे हुए सारे विशेषज्ञ जो बाहर से भी आए हुए हैं उन सभी का भी क्योंकि बड़ा इसमें योगदान है। रेस्क्यू बहुत चुनौती वाला है, इसीलिए जल्दबाजी में किसी तरह का जोखिम उठाया नहीं जा रहा। सवाल 41 परिवारों का भी है, लिहाजा हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। मजदूरों को बाहर निकालने के बाद उन्हें बेहतर इलाज मिले इसके लिए भी पूरा इंतजाम है। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल से जो तमाम मजदूर रेस्क्यू किए जाएंगे उनको सबसे पहले चिन्याली सोड़ के इसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया जाएगा जिसमें 40 बेड का पूरा तरीके से एक बड़ा जनरल वार्ड तैयार किया गया है। आप ठीक सामने देखिए ITBP के तमाम जवान जो हैं वो सुरक्षा में लगाए गए हैं क्योंकि जो तमाम लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनको जब रेस्क्यू करके यहाँ लाया जाएगा, बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, दिक्कतें ना हो, डॉक्टर तमाम तरीके से जो उनका इलाज होना वो बेहतर तरीके से कर पाएं, किसी तरह की दिक्कतें ना हो। राहत बचाव के काम पर पूरे देश की निगाहें हैं, तमाम एक्सपर्ट्स अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। मजदूरों के परिजन भी इसी उम्मीद में हैं कि जल्द ही
उन्हें अच्छी खबर मिलेगी और उनके अपने सूरज का उजाला देखेंगे। बातचीत यही हुई, वो बोल रहे थे तुम जाओ मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात है नहीं, स्वस्थ है अंदर। मजदूरों तक पहुंचने के लिए 800 मिलीमीटर व्यास के पाइप को ड्रिल कर पहुंचाया जा रहा है। इस काम में टनल के अंदर मोटा सरिया आने की वजह से ऑगर मशीन में खराबी आई थी, साथ ही ड्रिल किए जा रहे पाइप के आगे का हिस्सा भी मुड़ गया था। इस दिक्कत को अब दूर किया जा चुका है। गर्डल होती है, वो गर्डल आ गई तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुखद बात है कि पूरी जो टीम का जो मेहनत किया वो आगे मशीन बड़ी है। हो सकता है ऐसी एक दो अवरोध और आएंगे तो अब उनको पता चल गया कि इस अवरोध को भी कैसे पार करना है, सिर्फ एक समय की बात है। समय हो सकता है कम लगे या ज्यादा लगे, लेकिन पूरी टीम इस मामले में कॉन्फिडेंट है। कोशिशें जारी हैं और कामयाबी मिलने की पूरी उम्मीद है। टनल के अंदर जो भी मुश्किलें सामने आ रही हैं उनसे निपटने के लिए एक्सपर्ट्स की टीम 24 घंटे लगातार काम कर रही है। कोशिश यही की जा रही है कि अंदर फंसे हुए लोगों को किसी तरह से उनका मनोबल जो है वो ना गिरे और उनको अच्छी सामग्री दी जाती रहे खाने पीने की, जिससे कि स्वास्थ्य जो है उनका वो भी बेहतर रहे। तो अब उम्मीद बस यही की जा रही है कि जल्द से जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो सफलतापूर्वक अपने अंजाम तक पहुँच जाए। मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ काम किया जा रहा है। 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम भी तैनात है। उम्मीद यही है कि सब कुछ सही समय पर सही रहा तो मजदूर आज ही बाहर निकल आएंगे। उत्तरकाशी से अंजलि सिंह और सुरेंद्र डसीला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। 12 दिनों से 41 मजदूरों